सामने का व्यू दिखाता हूँ पहले आपको एक बार, वो फिर निकल जाएगा। खुशखबरी है टूरिस्ट के लिए जो गोवा घूमने आ रहे हैं उनके लिए, टाइम लैप्स बताना कैसे लगे। अरे फोटो लेना है पहले इंस्टाग्राम के लिए, मैं फोटो ले लूं उसके बाद में फिर बात करता हूं आपसे। सो गुड मॉर्निंग, और ये देखो अभी आप गोवा का वेदर बहुत ही प्लीजेंट हो रखा है, मतलब बारिश है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम हो गई अब। कंपैरेटिवली कम हो गई, बंद हाँ, नहीं कह सकते हम। ये क्या हुआ, कुछ ऑटो खराब हुआ है शायद। उसका पहिया खराब हुआ है अगला। तो कभी धूप आती है कभी बारिश आती है, बट वो नहीं है कि वहाँ लगातार बारिश होती रहेगी। हाँ, पूरा दिन नहीं पड़ रही है अब, जैसे पहले था कि भाई निकल ही नहीं सकते अब घर से, तो वैसा नहीं है अभी। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के ये वाला। हाँ, ग्रीनरी तो अभी मतलब पूरे जोरों पे। चलो घूम के आते हैं, थोड़ा घुमाते हैं आपको। तो हम घूमने आए थे आज अभी कोला की क्लिफ, और ये देखो यहाँ से व्यू, यही चीज़ देखने आए थे हम। एक्चुअली धूप निकल जाती है ना जैसे बीच में, ये देखो पहाड़ बहुत ही प्यारा लग रहा है, उस पर धूप पड़ रही है जहाँ जहाँ। और जितने जितने समंदर में धूप पड़ रही है ना, जैसे समंदर में जितने जितने में धूप पड़ रही है उसका कलर ग्रीन दिख रहा है अलग से। ये वाला जो ये अभी मैंने जहाँ पे कैमरा फोकस किया है बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब ये हम असल में ही देख सकते हैं, शायद कैमरे में उतने अच्छे से ना दिखा पाए, बट बहुत सुंदर है ये। तो ये देखो सी कितना रफ हो रखा है, इधर लोग फिर भी नीचे जा रहे हैं उधर की तरफ से पता नहीं कहाँ से, और ये इधर की तरफ देखो वेव्स ना बहुत तेज तेज टकरा रही हैं यहाँ पे पत्थरों पे, और ऐसे में बस नीचे जाना खतरनाक है, बाकी ऊपर से आप कितने एंजॉय करो, इसका फुल एंजॉय लो। और ये अभी सी आगे का कलर ना जैसे ही आप देखोगे तो थोड़ा ब्लूइश हो जाएगा ये वाला, और जहाँ धूप पड़ रही है फिर वो ऊपर ग्रीन हो गया। ये देखो यहाँ से ये ग्रीन दिखना शुरू हो गया, तो मतलब एक अलग ही व्यू आ रहा है ये आज सी का, इसीलिए हम आए थे इधर की तरफ। मगर आज देख कर आते हैं क्लिफ से कैसा लग रहा है सी, क्योंकि नीचे से खड़े होके देखते हैं ना तो वो इतना मतलब हाँ दूर तक नहीं दिखता है, ऊपर से देखने का एक अलग ही मजा है। ये देखो डिफाइन हो गया ना कलर, आगे ग्रीन है पीछे ये ब्लू है दोनों। तो आज इधर का मौसम का नज़ारा देखने के लिए आए हैं सिर्फ हम। ये देखो सामने का व्यू, मतलब अब तो और भी बढ़िया लग रहा है जैसी धूप निकली मोनिका। ये देखो मतलब पूरा अलग अलग कलर हो गया। हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप ये माइक और कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो मैं ये कर रहा हूँ डी जी आई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी को चेक करना है तो जाके चेक कर सकता है। माइक इसके साथ में ही इसका अटैच आता है, तो मतलब ये डी जी आई पॉकेट 2 कॉम्बो करके था, तो इसमें माइक भी इसमें अटैच मिल रहा था साथ में, माइक भी डी जी आई का ही है ये। तो ये मैंने इसलिए मतलब लिया था कि भाई ठीक है फूड ब्लॉगिंग करते हैं उसमें काम आएगा, बट इसको मैं पहचाना ही नहीं, ये तो मेरे ट्रैवल ब्लॉग में ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, सिनेमेटिक बहुत अच्छे आ रहे हैं इससे, मैं पहले इसको यूज़ नहीं कर पा रहा था अच्छे से। तो सामने का व्यू दिखाता हूँ पहले आपको एक बार, वो फिर निकल जाएगा। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था दोबारा से, पूरा मतलब ये अभी जहाँ जहाँ तक धूप आ रही है ना वहाँ वहाँ तक कलर ये चेंज होता जा रहा है। वाह, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, और ये कभी कभी मिलता है, ऐसा नहीं कि डेली मिल जाएगा आपको। अगर बादल इधर की तरफ बादल है उधर की तरफ धूप है तो तब ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर स्काई में ना खुला है और हमारी साइड है ये बादल, तो इसलिए ये व्यू आज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब मज़ा ही आ गया आज यहाँ पर आने का, काम हमारा सफल हो गया, मतलब जो हम सोच के आए थे वो
हो गया। तो अब बात करते हैं भाई, खुशखबरी क्या है। आज मैंने लिखा था ना कि टाइटल जो आपने देखा होगा कि भाई खुशखबरी है, खुशखबरी है टूरिस्ट के लिए जो गोवा घूमने आ रहे हैं उनके लिए, कि अभी जो है यहाँ पे वेदर जो है धीरे धीरे खुल रहा है। अब जो आगे जितना भी मतलब ये दिखा रहे हैं ना वेदर कंडीशन, तो रेन कम हो रही है और अब थोड़ा वेदर बड़ा प्लीजेंट हो गया है, मतलब ठंडा है एकदम, बादल रहेंगे, थोड़ा थोड़ा धूप भी दिख रही है, बट ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे पूरा दिन बारिश हो रही है, वो नहीं हो रहा। अभी कैसा, 1 घंटा बारिश हो गई या आधा घंटा 15 मिनट बारिश हो गई, फिर 2-3 घंटे के लिए खुल गया मौसम। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल बारिश बंद हो गई, रेनकोट और छाता आपको लेके ही चलना पड़ेगा। बट जो एक्चुअल में आप मौसम एंजॉय कर पाओगे गोवा में, जो सीनरीज आपको देखने को मिलेंगी इधर, नेचर की बनाई हुई पेंटिंग्स, वो अभी मिलेंगी, वो दिसंबर में भी नहीं मिलती कभी। दिसंबर में क्या होता है, एक तो क्राउड बहुत होता है, इस टाइम पे आपको क्राउड कम मिलेगा, और दूसरा क्या है, जैसे कि पीछे क्या बरसातें हो रही थी, हाई अलर्ट थे, अभी वो हाई अलर्ट वगैरह कुछ नहीं है गोवा के अंदर। तो अगर बात करूँ ना लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो लास्ट ईयर जो था बरसातें इतनी ज़्यादा थी कि नवंबर तक बरसातें हुई हैं, दिसंबर में भी बरसातें हुई हैं। इस बार अभी से धीरे धीरे जा रही है, दैट मीन सीजन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो ये खुशखबरी है गोवा के लोगों के लिए जिनका बिजनेस है गोवा में, और दूसरा टूरिस्ट के लिए भी, टूरिस्ट को चीज़ें ना ज़्यादा ज़्यादा जल्दी खुली हुई मिलेंगी, तो ये सबके लिए अच्छी बात है भाई, के जल्दी से अगर सीजन स्टार्ट होगा जल्दी से चीज़ें ओपन होंगी। और अगर जैसे यही मतलब सिनेरियो रहा ना, तो जैसे अक्टूबर से जहाँ से सीज़न शुरू होना मतलब शुरू ही होता है ऑब्वियसली, मतलब चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं, वो सितंबर से हो जाएंगी, तो अच्छी बात है ये एक। अरे फोटो लेना है पहले इंस्टाग्राम के लिए, मैं फ़ोटो ले लूँ उसके बाद में फिर बात करता हूँ आपसे, वरना ये चला जाएगा फिर जो सामने आ रहा है व्यू। तो जी काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स खींच के यहाँ पे अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं क्लिप पे बैठ के, यहाँ पे आराम से मोनिका बैठी हुई है, मैं भी बैठ लेता हूँ अगर बैठ के, और बस अब ये नज़ारे लेने हैं और कुछ नहीं करना। शाम में और भी मस्त होता है ये वेदर, बट आज हम मॉर्निंग टाइम में आए क्योंकि हमें ना धूप वगैरह ये सब देखना था, धूप भी निकली हुई थी, शाम का पता नहीं रहता, कई बार बारिश हो जाती है, तो बारिशें वैसे तो रहेंगी पर ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार हो गई तो फिर खुल गया वेदर, उस तरह की हो रही है। अब 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, हाँ 4 दिन से ऐसा ही वेदर रह रहा है कि एक बार बारिश होती है उसके बाद में फिर खुल जाती है, पाँच छः घंटे के लिए एटलीस्ट फिर वेदर खुल जाता है। हाँ तो इस कैमरे का फ़ायदा ये है कि हम यहाँ इतनी तेज हवा है इस टाइम, उसमें भी ना आराम से बात कर पा रहे हैं और मतलब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आ रहा। गोप्रो में बड़ी दिक्कत होती थी ये चीज़, तो गोप्रो को अभी मैंने रेस्ट दे रखा है भाई, रखा रहे आराम से अब तू। चलो होप करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लोकेशन ये अच्छी लगी होगी और हमने खूब एंजॉय की ये लोकेशन, और आपने भी शायद एंजॉय की होगी हमारे साथ में। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या करना है वो आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, लाइक शेयर एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टाइम लैप्स बताना कैसे लगे।